नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी, आज मैं चल रही हूँ अपने बहन के पास। तो सुबह सुबह दोस्तों एकदम सुबह है, अभी 8:30 बज रहा है, तो मैं नहा खा कर नहा लिया है और खा भी लिया है बनाकर। तो चलिए मैं उनके घर चल रही हूँ। और दोस्तों उनका भी एक चैनल है विलेज फूड लाइफ स्टाइल, तब तक आप उनके चैनल को देखिए। और तो चलिए मैं बाइक से चल रही हूँ उनके घर। तो आज हम दीदी के घर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़े भी ले लिया है अपने लिए। तो चलिए मैं इसी बाइक से हम चलेंगे। तो घर से दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, देखिए थोड़ा बहुत कोहरा अभी है। गेहूं का सारा खेत है हमारे घर के एकदम बगल में, यहाँ इसी में है। तो चलिए इसे थोड़ा सा आप लोगों को रास्ते में दिखाएंगे। तो रास्ते में दोस्तों ये स्कूल आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बेटे का स्कूल है। हमारे बहन का घर दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। ये नहरा है, इसमें पानी जाता है, सिंचाई होता है खेत का। जाना होता है तो हम लोग जाते हैं, ये रोड से हम लोग जाते हैं बरौद, बरौद से जहाँ जाना होता है वहीं पे जाते हैं। जाता है काम दोस्तों, कुछ भी लेकर जाता है, तो यहीं पे देखते हैं कुछ भी लेकर तो ले लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह समय है, काफ़ी दुकान नहीं खुली हुई है। जलेबी ले लेते हैं, सुबह सुबह एकदम ताजी है। और हमें समोसा लेने वाले थे, यहाँ तो समोसा नहीं है, मैं दूसरी दुकान से ले लेती हूँ। तो यहाँ इस दुकान में से हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, जो अच्छा लगे मैं ले लूंगी। तो जलेबी दोस्तों बांध कर नहीं रखा जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने बांधा नहीं है, ऐसे ही पहले पलट देती हूँ, थोड़ा कुरकुरी रहेगी। ये तो पेपर में है, ऐसे ही रख देती हूँ। यहाँ पे ढेर सारा चटनी दे दिया है, चटनी दोस्तों देखिए मीठी वाली तीखी वाली। तो दोस्तों यही हमारी दीदी है, हमने कल बताया था दीदी को हम कल आएंगे, पर इतना सुबह चले आए, अभी दीदी की तैयार वार नहीं हुई है,
बर्तन साफ कर रही हूँ। खाना बन गया दीदी? तो यहाँ वाले बच्चे हैं दोस्तों, दीदी के पास हमेशा रहते हैं और दीदी हमेशा हम लोगों को बहुत ज्यादा मानती है। ढेर सारे बच्चे, 3-4 बच्चे हैं यहाँ पे, हमेशा आते हैं, दीदी के घर रहते हैं। खाना ना बने थे? धान के छिलका से दोस्तों हम लोग बर्तन मालते हैं, दीदी भी इसी से मालती हैं। चलिए दीदी थोड़ा सा बाजू लेकिन उसके बाद आप लोगों से मिलवाएंगे। जब धान पाए थे वही लागे तब ना, और पाके ऊपर होता रख देंगे माजे ताकि साल भर मजा हो जाए। भैया बहनी राम राम। ये देखिए हमारे घर हमारी बहन आई है, और दोस्तों आप जान ही गा होंगे कि हमारी ये बहन है। माँ धोलेंगे उसके बाद इसको हम नाश्ता कराएंगे और सब बात करेंगे। दोस्तों हम खाना खा कर आते हैं, फिर भी दीदी कुछ ना कुछ हमें खिला देती हैं, वो ढेर सारा, इसलिए हम कम खा कर आते हैं। बहुत बार मैं बिल्कुल खाना वाना नहीं बनाती, वैसे ही चली आती हूँ। तो दीदी के आप लोग दोस्तों पहले से देखे एक नए विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल से, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे वीडियो में इनका लिंक रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, तब बताइएगा कि कैसा इनका चैनल है। अगर पहले से देखे होंगे तो आप लोग कमेंट करिए कि मैं वहाँ से देख लूँगी, जान लूँगी। मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग पहले से जानते हैं। ये साबुन लगा दें वो सब सही दीजिए। हाँ वो सब बढ़िया बातें हैं, हम कहीं लग मात भूलेंगे। तो शाम के दोस्तों हम लोग डेली बात करते हैं, और सुबह भी दीदी फ़ोन कर देती है। जब हम लोग खाना बनाते हैं तभी बात करते हैं, उस समय हम लोग खाली रहते हैं, एक साथ में खाना बनता है दोस्तों सुबह शाम का। तो दोस्तों हमने अरे अपने बहन से डेली बात करती है, बहुत अच्छा लगता है। और बात विदा करे ये होता है बिल्कुल आज बात नहीं हुई है तो हम बात कर लेते हैं। और बच्चे हैं कहते हैं डेली मेरे मौसी से बात करती हो, डेली मौसी से वही बात डेली बतलाती हो तो अच्छा लगता है। दोस्तों हमारे इस चक्कर में रहते हैं कि दोनों लोग क्या रोज रोज बातें वही करती हैं और बात कर लेते हैं, हाल चाल हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी हैं हमारी बहन दीदी। अरे हमारी बहन हमारे घर आ जाती है, सब लोग कहते हैं चलो आ गए, इनकी बहन आ गई है, अब कुछ खिलाएंगी, खर्चा करेंगी। और जब हमारी बहन आती है तो सभी लोग को जो लायक होता है हर एक कपड़ा और ना खाना पीना, बच्चों को बांटते खिलाती है, सब लोग इंतजार करते हैं तुम्हारी बहन कब आएगी, तुम्हारी बहन कब आएगी। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं, बहन हमारी खाली हो जाएगी तो आएगी। तबक जो है भाई दीदी तो बात डेली जो है, डेली फोन कहेंगे उसका खाना ना बनाए हो, तब बनाए आ वही खा ही रहा। अब इनके दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, पर दीदी के घर दोस्तों आप लोग बताया कि बहुत ही पास में है, 10 किलोमीटर है, तो मैं अक्सर आती रहती हूँ। हफ्ते में कम महीने में दो तीन दिन मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। और दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी बहन हमारी उषा हमारे घर आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और काफ़ी मन लगने लगता है साथ साथ में काम करना, बतलाना, रहना। बचपन के यादें बहुत आती हैं कि ऐसे अब साथ में रहना नहीं मिलता, दो दो रुपये शादी हो गई है जैसे। तो हम लोग खेत से दोस्तों घूम कर आ गए हैं और दीदी ये दही दे रही है, हम लोग खा लेते हैं। बहुत अच्छी दही है दोस्तों, दही हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए दीदी जब भी आते हैं हमको खिलाती हैं। तो थोड़ा सा चावल बेल लेती हूँ दोस्तों और फटाफट काम कर लेती हूँ, उसका हम खाना बनाएंगे। और थोड़ा बहुत खेत बाड़ी अपने दीदी के उसका अपने साथ में ले चलूँगी, खेत की घुमाऊँगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे हम अकेले दोस्तों खेते के जाती थी और हमारे बहन है साथ में, और काफ़ी हमें अच्छा लगेगा, बतलाऊँगी साथ में और दिखाऊँगी। और दोस्तों एक मेरा भी चैनल है विलेज फूड लाइफ स्टाइल, तो दोस्तों हमारे चैनल को जो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जैसे उषा विलेज फूड का आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमारे भी चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, पूरा से पूरा हमारा वीडियो देखें। और जो हमारे अंदर जानकारी है दोस्तों गाँव के बारे में हम दिखाएँगे और खाना पीना बना के दिखाएँगे। तो दोस्तों आप लोग हमने दीदी का वीडियो जो पहले सबसे पहले बनाई हुई थी वो आप लोग देखेंगे तो समझ जाएँगे। और दीदी दोस्तों पढ़ी लिखी नहीं है,
और जितना भी मतलब 8 साल की थी तभी से खाना बना रहे हैं। घर में सबसे बड़ी सी हम लोग 3 बहनें हैं, तो यही सारा काम मतलब खाना वाना घर का काम सारा करती थी, खेत बाड़ी। तो इसीलिए दोस्तों पढ़ भी नहीं पाई हैं और बहुत काफ़ी मेहनत की हैं अपने लाइफ में। बस जैसे दोस्तों आप लोगों से बताया कि दीदी हमारी बहुत मेहनत करती हैं और जब 8 साल की थी तभी से मतलब खाना बना रही हैं, और मैं बहुत छोटी थी उस समय, मैं कोई हेल्प नहीं करती थी दीदी का। एक मेरी एक बहन हमारी और है, हमसे बड़ी वो भी है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो दोस्तों अगर ऐसा खाना ले वही आवा जिसे खान रखी दे आपके दीदी खाना दादा खाई तो हम कहीं एक काम ना करे खाना ना दे तो हमारे भैया के लिए जाए कहे भैया चला खाना ना पाओ दे भैया जाए तो कहे खाना निकाला तो भैया डर मारे तुरंत खाना ना निकाल दे तुरंत खाना निकाल दे कि भैया डरते ही हमके। और छोटी रहें दोस्तों तो काम कैसे करिए, और हम अपने मम्मी से कही मम्मी एक काम ना करना खाना मत दे, मम्मी कहे नाई बिटिया भाई गदेला है। तो दोस्तों बचपन जब कोई भी मतलब हम लोग जब बने जुटते हैं दोस्तों बचपन जरूर याद करते हैं। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब तीनों बहनें खेला कूदा है, मतलब रात ढेर ढेर रात तक मैंने तीनों लोग बातें करते थे हमेशा, जो खेलते थे खेल खेल में दोस्तों सारा काम भी हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों एक हमारा भी चैनल है विलेज फूड लाइफ स्टाइल, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों जो जितना मतलब गांव का खाना होता है सारा दीदी हमारे जानती है बहुत ही अच्छे से, और मैंने काफ़ी खाना दोस्तों दीदी से ही सीखा हुआ है, क्योंकि अब मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती थी, मेरी दीदी ही बनाती थी, मैंने दीदी से बहुत बहुत कुछ सीखा हुआ है। बहुत मतलब हमारे बहनों को, हमारी जो एक ही दीदी है एक और दीदी है उनको हमको बहुत कुछ सिखाया हुआ है, तो उनको बहुत जानकारी है। दोस्तों इनके चैनल को आप लोग देखिएगा, वहाँ पर ढेर सारा खाना बनाएंगे आप लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर जैसे मम्मी बोलती है अगर खाना बनाने नहीं मतलब खाना ना बना सकूँ तो शादी ब्याह हो तो जाबू तो सास तो के पहुँचा दही हमारे घरे कि खाना नहीं बनाई नहीं ससुर जाए अपने नहीं हरी, तो इसी हम के सबके सिखाई कि अगर अच्छे से खाना बनाबू तब ससुर ठिकान लागे नहीं तो वापिस आबू अपने घर। तो हमके बहुत दोस्तों टेंशन रहे, और जैसे उषा विलेज फूड अपना चैनल हमारा दीदी बना ली हमारा बहन, तो काफ़ी हमके अच्छा लगा था और काफ़ी हमके आप सब सपोर्ट किए, तो हमको बिल्कुल बहन के लिए लेकर बहुत हमके रच्चू भी टेंशन नहीं रहे। हमार वो छोटी बहन जौन की पद में मतलब उम्र में छोटी बहन है और इतना बड़ा काम करती हैं दोस्तों, और हम काफ़ी खुश रहती हूँ कि हमारी बहन अब छोटी नहीं है बहुत बड़ी हो गई है, मतलब दूसरे कितना हेल्प करती हैं, गरीबों के लिए जाती लगे जाती हैं दोस्तों। तो जो वीडियो छूटता है आ जाता है मोबाइल पर, हम पहले मोबाइल मतलब वीडियो देखी था कि दीदी हमारे नंकर हेल्प करी, हमको बहुत अच्छा लगा था वीडियो देख, कितना दर्दनाक दर्दनाक कहानी कि आँखी में आंसू भरी आवत है। तो इसी अब कही हमारे उषा तवन उषा ना है मतलब भगवान हो गए हैं शायद। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, और सभी लोग दोस्तों हमारा हेल्प करते हैं, हमारे पूरे परिवार के दोस्तों में हमारी बहन भाई बहन सभी लोग मदद करते हैं और विकास मदद करता है तभी ये सब काम हो जा पाता है दोस्तों। और एक लोग से हमारे यहाँ मतलब हम अकेले करेंगे दोस्तों तो कभी नहीं हो पाएगा, आप लोग समझ सकते हैं आशा वाले काम में बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रहता है काम। जैसे उषा के दोनों चैनल से हमारे मम्मी पापा भाई और सभी बारे बच्चों लोग सभी खुश रहते हैं कि मौसी इतना हेल्प करती हैं, मम्मी भी खुश रहती हैं कि इतने हमारे बेटी हेल्प कर रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सब भी खुश रहते हैं अगल बगल सभी खुश रहते हैं कि तुम्हारी बहन इतना मदद करती है। तो दोस्तों हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे अंदर जानकारी है दोस्तों हम तो बता दें पहला ही वीडियो हम बता दिया है दोस्तों कि हम पढ़ी लिखी नहीं है, तो जो हमारे अंदर जानकारी है हम बताऊंगी, ब्लॉगिंग बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, अपना खेती बाड़ी हमने बताया है, तो जो हम काम करूंगी आप सबके कैमरा में दिखाते जाऊंगी अपना काम करूंगी। तो उषा एक आशा चैनल जो दोस्तों हमारा है उसमें मतलब बहुत मतलब दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए तो दोस्तों इसमें विकास भी काम कर रहे हैं, और हमारी दीदी भी अपने गाँव में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और तो दोस्तों गांव वाले हैं सभी को अभी कैमरे में नहीं लेते, थोड़ा बहुत जो लेना लेना होता है, तो बाद में दीदी भी हमारा ये काम करेंगी, और मैं भी इनको सोच रही हूँ जो मैं जब मैं बिजी रहूँगी, कभी कभी होता है दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं रहता तो हमारी दीदी काम करेंगी तो ठीक रहेगा दोस्तों, काम करने से मतलब है कोई भी काम करें। तो दीदी भी दोस्तों गरीबों का हेल्प करेंगी, तो दोस्तों अकेले वाली बात दूसरी होती है, दो चार लोग मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी गरीबों का हेल्प होगा, तो आप लोग के जरिए से